22 नवंबर 2019 भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा क्योंकि पहली बार भारत में पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला जाएगा। क्या फर्क पड़ेगा? आज जानेंगे रेड बॉल और पिंक बॉल में फर्क। मैं हूँ स्नेहल प्रधान, फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर। आप देख रहे हो क्रिकेट विद स्नेहल और इंटरनेशनल क्वालिटी टिप्स के लिए सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाना। तो दुनिया में पहली बार SG के पिंक बॉल के साथ टेस्ट मैच खेली जा रही है। अभी तक ऑस्ट्रेलिया में पिंक कुकाबुरा के साथ खेला था, इंग्लैंड में पिंक ड्यूक्स बॉल के साथ खेला था, पर इस बार इंडिया में पहली बार SG का पिंक बॉल ट्रायल किया जाएगा। सो SG कंपनी के लिए भी एक ये परीक्षा है। अगर आपको SG बॉल्स के बारे में ज़्यादा जानना है, SG बॉल्स के अंदर क्या होता है जानना है, तो इस वाले वीडियो को देखना ना भूलिए। आज देखेंगे कि एक पिंक और रेड बॉल में फर्क क्या है, क्या बेसिक डिफरेंसेस है इन दोनों में। एक्चुअली 90% प्रोसेसेस सेम है दोनों बॉल्स बनाने के लिए। रेड बॉल डाई किया जाता है, उसका लेदर डाई किया जाता है रेड डाई में, और पिंक बॉल का लेदर डाई किया जाता है पिंक डाई में। और रेड बॉल में ऑफकोर्स सीम वाइट होती है, सफ़ेद होती है, और पिंक बॉल की सीम ब्लैक होती है। और मेन फर्क ये है कि पिंक बॉल पे एक एक्स्ट्रा कोटिंग लगाया जाता है, एक शाइनी कोटिंग, लैक्यूर जिसे हम कहते हैं, जो रेड बॉल पे नहीं है, क्योंकि पिंक बॉल की विजिबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ये डे नाइट टेस्ट मैच में इस्तेमाल हो रहा है तो रात के अंधेरे में भी, ट्वाइलाइट के समय में पे भी ये दिखाई देना चाहिए, इसलिए पिंक बॉल पे एक एक्स्ट्रा लैक्यूर होता है। और अगर आप ये दोनों बॉल्स कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि पिंक बॉल की शाइन थोड़ी सी ज़्यादा है, चमक ज़्यादा है इस पिंक बॉल पे, क्योंकि ऊपर का जो फिनिशिंग है उससे मेन फर्क पड़ता है। सो ये एक्स्ट्रा लेयर कोटिंग होने के वजह से बिहेवियर में क्या फर्क पड़ता है? ऑफकोर्स सरफेस ज़्यादा स्मूथ है, इसलिए बॉल थोड़ा सा ज़्यादा स्विंग होता है जब बॉल नया है। इसलिए हमने अभी तक देखा है कि पिंक बॉल टेस्ट में फास्ट बॉलर्स बॉलिंग करना काफ़ी एंजॉय करते हैं। और एक बात है कि पिंक बॉल के ऊपर कोटिंग होने के वजह से ना रिवर्स स्विंग शायद कम होगा, क्योंकि जो कोटिंग है वो लेदर को ब्लॉक करता है, और वो लेदर की प्रॉपर्टीज से ही, जब लेदर थोड़ा सा एक तरफ से रफ हो जाता है एक तरफ से स्मूथ रहता है, तब आपको रिवर्स स्विंग मिलता है। और इसलिए पिंक बॉल में मेरे हिसाब से रिवर्स स्विंग थोड़ा सा कम होगा। फील्डर्स के लिए क्या फर्क पड़ेगा? थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ होने की वजह से ना ये बॉल हाथ में थोड़ा सा स्लिपरी फील हो सकता है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि पिंक बॉल टेस्ट मैचेस में ना थोड़े से ज़्यादा ड्रॉप्ड कैचेस हम देख सकते हैं, स्लिप कैचेस हम ड्रॉप्ड देख सकते हैं, क्योंकि फील्डर्स को भी बॉल पिक करना जैसे बैट्समैन के लिए एक चैलेंज है, फील्डर्स के लिए भी बॉल पिक करना एक चैलेंज है। ऑफकोर्स एज अ बैटर आपके पीछे टेस्ट मैच में वाइट साइड स्क्रीन है, उस वाइट साइड स्क्रीन के बैकग्राउंड में आपको ये पिंक बॉल स्पॉट करना है, तो वो एक अनोखी चुनौती है। सो सबके लिए एक नया एक्सपीरियंस है और बहुत फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, बोलो थोड़ा बहुत ना, क्रिकेट में बहुत हो जाता है। क्या आपको लगता है कि रेड बॉल डे टेस्ट से पिंक बॉल के डे नाइट टेस्ट पे शिफ्ट करके टेस्ट क्रिकेट की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी? नीचे मुझे कमेंट्स में बताओ। और अगर आपको कुकाबुरा, SG, ड्यूक्स, इसके बारे में, अलग अलग बॉल कंपनीज के बारे में स्टोरी जाननी है, तो मैंने एक बड़ा आर्टिकल लिखा था उस पर क्रिक इन्फो के लिए, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी आपको, तो ज़रूर पढ़ना। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, आपके दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताओ, और देखते हैं कि 1000 से ज़्यादा लाइक इस वीडियो पर आ सकते हैं क्या। अगली वीडियो में मिलते हैं। बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग एंड एन्जॉय योर क्रिकेट।